सो दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कोई गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर कोई गलत कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि आगे जाके आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज बताने वाला हूं जो शायद आपको ध्यान से करनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लाकर उन्हें लिस्ट करने वाले हो इन मार्केट प्लेसेस पे, तो वो आपके लिए थोड़े से रिस्की साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो उन प्रोडक्ट्स के तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास पूरी कैपेसिटी है उनको मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट को सप्लाई करने में। हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे कि इसको प्रोक्योर करने में कितना खर्चा आता है, यानी कि इसको लाना बनाना इसमें कितना खर्चा आता है, कस्टमर रिटर्न्स के कितने चार्जेस हैं, मार्जिन्स के क्या स्कोप है, उसके साथ साथ जो है इसके अंदर शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सारी चीज़ वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। तो चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट और कह सकते हैं कैटेगरी है वो है हाईली कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स। मैं जानता हूं आपके दिमाग में कभी ना कभी ये थॉट जरूर आई होगी कि यार हम लोग मोबाइल सेल करेंगे, लेकिन मोबाइल सेल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बैठे हैं और वो खुद डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल कर रहे हैं, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो अगर फिर भी आप इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर इन प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोच रहे हो, तो इससे रिलेटेड मैंने एक ग्राफ तैयार किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसको प्रोक्योर करने की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी हाई रहती है, कस्टमर रिटर्न चांसेस जो हैं वो इसके अंदर लो रहते हैं, इतने कस्टमर रिटर्न नहीं आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी जो है इसके अंदर लो रहता है, और शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसको पैक करके कस्टमर को डिलीवर कराना सेफली ताकि वो टूटे नहीं, डैमेज नहीं हो, चोरी नहीं हो जाए, तो वो भी थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर हाई रहती है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो जो कि फूड प्रोडक्ट्स हो गए जिनको पैकिंग की ज़रूरत है, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है। देखो Amazon Fresh के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को सेल भी करते हैं, पीनट बटर हो गया, जैम हो गए, अलग अलग टाइप की क्रीम्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ, यानी कि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक आपको ध्यान होगा कि एक्सपायरी डेट लिखी हुई आती है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कमज़ोर और ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज मांगता हो, इस टाइप के प्रोडक्ट्स एटलीस्ट मार्केट प्लेसेस पे हमें अवॉइड करने हैं। अब ग्राफ की अगर बात की जाए तो इसकी प्रोक्योर की जो प्राइस है इसको बनाना करने में थोड़ी सी हाई रहती है, कस्टमर रिटर्न चांसेस इसमें लो रहते हैं, ठीक है ना। लो रहने का मतलब यह है कि खाने वाली आइटम को लोग कम ही कस्टमर रिटर्न करने के चांसेस होते हैं। अब कस्टमर रिटर्न तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होता है, बट इन केस कस्टमर ये कह देता है, कंप्लेन कर देता है ये प्रोडक्ट हमें पुराना मिल गया है या अच्छा नहीं है या ये खराब प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर रिटर्न एक्सेप्ट किए जाते हैं और एल्स नहीं किए जाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर ठीक ठाक है, अगर हम कहेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें अच्छा खासा बन सकता है। शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करेंगे तो शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इसके अंदर हाई है। अगली जो मैं कहूंगा वो है आइटम, बहुत ध्यान से आपको करनी है, वो है फ्रजाइल आइटम। फ्रजाइल आइटम उन्हें कहा जाता है जो टूट सकते हैं किसी भी रूप में, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देखेंगे ग्लास हो गया, सिरेमिक हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जिनके चांसेस है कि शायद वो टूट जाए, उन प्रोडक्ट्स को आप जो है कोशिश करिएगा कि इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल नहीं करेंगे। इसकी प्रोक्योर प्राइस भी जो है थोड़ी सी हाई रहती है, कस्टमर रिटर्न चांसेस इसके ऊपर हाई रहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर ना मैं कहूँगा बिल्कुल कम है और ना ही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, और शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ही हाई रहती है। तो ये थोड़ा सा रिस्की प्रोडक्ट है, अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स बताएं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स मैं कैटेगरी को जो है इसी कैटेगरी को मैं ऐड करना चाहूँगा। आप ध्यान से इस टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। चौथा जो प्रोडक्ट है वो है सीजनल प्रोडक्ट। होली दिवाली पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं लोग उनको सेल करना चाहते हैं, पर्टिकुलर उसी सीजन में उन प्रोडक्ट्स को लाते हैं, उन्हें लिस्ट करते हैं, उन्हें सेल करते हैं। तो ये जो सीजनल प्रोडक्ट है ये अच्छा खासा आपको बिजनेस दे सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़े से रिस्की है। कारण क्या है कि सीजन में अगर बिक गए तो बिक गए, नहीं तो प्रोडक्ट आपका जो है डेड स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि अब सोचिए दिवाली तक कोई प्रोडक्ट बेचना है, लाइटें वगैरह बिक गए ठीक है, होली पे कलर टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ बेचना है बिक गए ठीक है, रक्षाबंधन पे राखियां बेचनी है बिक गए ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं सेल होते हैं तो वो स्टॉक आपको अगले साल तक के लिए अपने पास जमा करके रखना पड़ता है। तो देखो इसकी प्रोक्योर अगर प्राइस देखेंगे बहुत लो है, इसमें इतना खर्चा नहीं आता है इसको बनाने में, उसके बाद अगर इसके कस्टमर रिटर्न चांसेस भी इसके एवरेज है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग इसको उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में यूज़ करके रिटर्न कर देते हैं, तो और कई लोग हैं जो क्योंकि ये यूज़ हो गया तो उसे रिटर्न नहीं करता, तो एवरेज कहूँगा। प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें एवरेज है, ठीक है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है, और शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर लो है, इतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। अगली जो कैटेगरी है वो है हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट्स। बड़े और भारी जैसे कि फर्नीचर हो गया या जिम इक्विपमेंट्स हो गए, जो भारी प्रोडक्ट्स होते हैं
कोशिश करें उनको अवॉइड करें। एटलीस्ट अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स लेना चाहते हैं तो इनको मार्केट प्लेसेस के ऊपर थोड़ा सा आपके लिए रिस्की साबित हो सकते हैं। इनको बनाने का जो प्रोक्योर करने का प्राइस है वो थोड़ा हाई है, जो कस्टमर रिटर्न चांसेस है इसमें एवरेज है। अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफेक्टिव है तो कस्टमर रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा है, और प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें ना ज़्यादा हाई है ना कम है, लो भी नहीं कह सकते और हाई भी नहीं कह सकते, एवरेज है। लेकिन जो इसकी शिपिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी हाई है, इसको आपको शिप करना थोड़ा सा एक ट्रिकी हो सकता है, इसलिए इस कैटेगरी में भी आप ध्यान से जाइएगा। अगली जो कैटेगरी है जो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप तो कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नॉट अलाउड, काउंटरफाइट प्रोडक्ट्स हो गए, ये फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट जिनको कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग वॉचेस की फर्स्ट कॉपी सेल कर सकते हैं या हम लोग जीन्स की फर्स्ट कॉपी सेल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड। तो इसको तो मैं सभी कैटेगरी में इसको नॉट अलाउड कर रहा हूँ। अगली जो कैटेगरी है, सेवन्थ कैटेगरी, वो है लो मार्जिन प्रोडक्ट। आप लोग देखते होंगे 150 रुपये के 200 रुपये के प्रोडक्ट बिकते हैं जिसके ऊपर 5 या 10 रुपये का मार्जिन होता है, नहीं करना है, कोशिश करो अवॉइड करो। थोड़े से हम लोग 400-500 रुपए तक के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर हम लोग बात करें कि इनके ऊपर प्रोक्योर प्राइस, तो ये देखो वैसे ही सस्ते होते हैं तो वैसे ही इसकी सस्ती प्राइसिंग होती है। कस्टमर रिटर्न चांसेस इसके ऊपर देखो, जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा ना तो चांसेस कस्टमर रिटर्न के उसमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर कस्टमर रिटर्न चांसेस थोड़े से हाई है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसके अंदर बहुत लो है, और कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है वो बिल्कुल लो है। शिपिंग अगर आप करेंगे तो बहुत लो शिपिंग चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, कस्टमाइज और मेड टू ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं ना प्रिंट ऑन डिमांड कह दिया या कस्टमाइज अपने नाम लिखवा दिया पीछे, ये बहुत रिस्की प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो कई बार लोग अमेज़ोन के ऊपर, आप अपनी पॉलिसी तो लगा नहीं सकते कि नो रिटर्न पॉलिसी, और आपको एक ऑर्डर आ गया जिसके ऊपर पीछे लिखना है कनेक्शन। आपने वो टी शर्ट, मैंने आपसे वो टी शर्ट मंगा लिया बनवा के, कनेक्शन पीछे लिखवा कर, या किसी कप के ऊपर बनवा के लिखवा दिया, और मैंने उसे लेने से मना कर दिया। तो अमेज़ोन की पॉलिसी ये कहती है कि कस्टमर अगर उसे नहीं डिलीवर होता है प्रोडक्ट, अगर वो नहीं लेता है तो उसका पूरा रिफंड कर दो और वो प्रोडक्ट वापस आपके पास आएगा। तो क्या वापस उस कनेक्शन को आप क्या करेंगे, या तो किसी सॉल्यूशन से उसको मिटाएंगे वापस, तो कब तक करेंगे आप लोग, कब तक उसको ठीक करते रहेंगे, कब तक इन रिटर्न प्रोडक्ट्स को आप लोग वापस से रिकवर करके सेल करेंगे। तो एक बार काफ़ी हैक्टिक कैटेगरी है। प्रोक्योर प्राइस इसकी एवरेज है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, सस्ते में काम हो जाता है, और कस्टमर रिटर्न के भी चांसेस इसके अंदर एवरेज है, प्रॉफिट मार्जिन भी इसका जो है एवरेज रहेगा, और शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लो है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट हाँ, अगर वो सेरेमिक के कप या आप लोग वो सेल करोगे जो जग होते हैं या कप होते हैं जिनको कहा जाता है, जिसके ऊपर प्रिंटेड होता है, कस्टम प्रिंटेड होते हैं, उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी टी शर्ट्स हो गए, छोटे बहुत कीचेन हो गए, इस टाइप के प्रोडक्ट इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। अगला जो प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। साइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, फैशन कैटेगरी सबसे ज़्यादा चलती है, जिसके अंदर टी शर्ट, शर्ट, कुर्ती, साड़ी, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लोथिंग कैटेगरी बहुत अच्छी चलती है, शूज़ हो गए, ये भी बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो ना, तो एक तो आपको अलग अलग साइज़ और वेरिएंट्स ला के रखने पड़ेंगे। जैसे सपोज़ करो एक ब्लैक कलर का टी शर्ट है, तो आप एक ही टी शर्ट की एक साइज़ तो रखेंगे नहीं, साइज़ आपको मल्टीपल रखनी पड़ेगी, एक ही डिज़ाइन की मल्टीपल साइज़ रखनी पड़ेगी, और एक ही साइज़ के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे, एम के 10 पीस, एल के 10 पीस, एक्सएल के 10 पीस, डबल एक्सएल के 10 पीस, तो ऐसे करते करते सिर्फ एक डिज़ाइन के 40-50 पीस आपको रखने पड़ेंगे। तो आप खुद देखिए कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये रहती है कि साइज़ का इशू रहता है, कस्टमर पहन के देखता है, टाइट होता है तो रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हो, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, मैं ये नहीं कहूँगा आप नहीं जा सकते, पर थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो ही आप इसमें उतरिएगा कि हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो आई विल मैनेज, और मेरे को स्टॉक रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस टाइप की एक कैटेगरी है। प्रोक्योर प्राइस इसकी एवरेज है, कस्टमर रिटर्न चांसेस जो हैं इसके हाई रहते हैं, क्योंकि कस्टमर रिटर्न साइज की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है इसके ऊपर। प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर एवरेज है, अच्छा खासा भी है, थोड़ा लो भी है, मैनेज किया जा सकता है, और शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो है, इतनी ज़्यादा शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसको पैक करो और भेज दो कस्टमर को, इतना प्रॉब्लम नहीं आता। जो लास्ट कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट कैटेगरी है, वो है एक्सपेंसिव ज्वेलरी की। एक्सपेंसिव ज्वेलरी की जो कैटेगरी है, जैसे महंगे ज्वेलरी है, उसको तो मैं सजेस्ट करूँगा मत करो, चोरी हो जाते हैं, लोग बदल देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी, मत करिए। प्रोक्योर प्राइस इसकी हाई है, कस्टमर रिटर्न चांसेस इसके एवरेज हैं, प्रॉफिट मार्जिन लो है, और इसके अंदर शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों, मैं यही चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये जो कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत ध्यान से अगर आप इसमें उतर रहे हैं तो ध्यान से इन कैटेगरीज को करिएगा। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, कि भाई किस प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन है,
कितने कमीशन लगते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, कितना प्रॉफिट बनता है। एक बहुत अच्छी सीरीज हम चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग वन बाय वन कैटेगरीज को जो है ऐड कर रहे हैं। काफी सारी कैटेगरीज उसमें ऐड कर दी गई है, काफी सारे वीडियोस उसमें ऐड कर दिए गए हैं और फ्यूचर में और भी आने वाले हैं। तो चैनल को तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आप लोगों के बहुत काम का होने वाला है। दूसरी चीज इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि हमने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसको आप बाद में आराम से जाकर देख सकते हो, मैं साइड में लिंक भी दे दूंगा। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो जो बहुत अफोर्डेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको पेड कोर्सेज में नहीं जाना है तो मेरे पास एक ऑप्शन और है आप लोगों के लिए कि ये जो प्लेलिस्ट मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट रिसर्च की, इससे पहले देख लो कि कौन से प्रोडक्ट को सेल करना है। और नीचे वाली जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसमें आप अमेजोन पे सेल करना सीख जाओगे। बहुत ईजी भाषा में समझा रखा है, बेसिक वीडियोज हैं जिससे एटलीस्ट आप अमेजोन पे रजिस्टर करके प्रोडक्ट लिस्टिंग सीख जाओगे। सो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका एक अच्छा सा कमेंट आता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस बहुत सारा प्यार देने के लिए। खुश रहिए, बहुत अच्छा बिजनेस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।